बोलो जय यीशु मसीह की। हालेलुया। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे मेरे खुदावन सत्य के ईश्वर परमेश्वर सर्वेश्वर सृष्टिकर्ता आश्चर्यकर्ता करुणा निधान तेरी कृपा के हाथों से तेरे दया के हाथों से प्रभु तेरे बच्चों को आशीर्वाद आशीषों से भरपूर कर स्वामी संपूर्ण शांति समाधान के साथ में आगे बढ़ने के लिए तेरी सहायता मांगते हैं। तेरा मार्गदर्शन दिखा प्रभु पवित्र आत्मा से भरपूर कर पवित्र खून से धोके शुद्ध कर तेरे वचन के द्वारा आगे चलाने के लिए प्रभु तेरी सहायता मांगते हैं। संपूर्ण शांति समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये प्रार्थना जो जो सुन रहा है प्रभु उसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद आने वाला है आज। हालेलुया स्तोत्रम शियारा बाबा शंदरा ऋषि खंदरा बाबा प्रभु यीशु की महिमा होने वाली प्रभु यीशु के नाम से स्वस्थता चंगाई छुटकारा होने वाला है प्रभु। सारी मुसीबतों से सारी समस्याओं को छुटकारा देने के लिए प्रभु अपने दूत को भेज के सहायता करने वाला है प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो जय जयकार हो चमत्कार हो। संपूर्ण शांति समाधान के लिए प्रार्थना करते हैं। मत्तयी सुवार्ता मत्तयी सुसमाचार 7:24 वचन से प्रभु बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो प्रभु यीशु के नाम की जय जयकार हो प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं बोलो आमीन आमीन आमीन। आज का वचन एक बार सब जन बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। आज का वचन प्रभु बता रहे हैं घर बनाना। अभी इसके पहले हम क्या बोले उनका पवित्र स्थान उनकी गद्दी बनाना उनका पीटा बनाना गद्दी बनाना। तो यहाँ पर प्रभु क्या बोल रहे हैं घर बनाना। घर बोले तो उनका मंदिर ना घर बनाना उनका घर बनाना अपना घर बनाना। हालेलुया। उनका घर बनेगा तो अपना घर बनेगा करेक्ट ना। हम यदि उनके घर के लिए सोचेंगे उनके घर के लिए आलोचना करेंगे उनके घर के लिए हम प्रार्थना करेंगे उनके घर के लिए हम जी जान लगाएंगे कष्ट करेंगे हेल्प करेंगे तो वो हमारा घर खड़ा करेगा। हालेलुया। यदि हम उनके घर के लिए नहीं सोचेंगे तो हमारे घर के लिए उन्होंने भी नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर वचन घर बनाने वाले दो मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख। घर बनाने वाले कितने हैं दो मनुष्य हैं इल्लू कट्टिन वाले इधर मनुष्य ओकटे मूर्खुड़ ओकटे बुद्धिमंतुड़ हालेलुया। तो इल्लू घर कैसा बनाना इल्लू ए विधानंगा कट्टाले देवुनु मात्लाडुतुन्नाडु घर कैसा बनाना है प्रभु इस वचन के द्वारा बता रहे हैं। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई क्योंकि वह उस मुझसे शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। हालेलुया। चाल मंची माटा बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि घर घर दो तरह का तीन तरह का घर है। तीन तरह का घर बोले तो एक हमारा शरीर के रूप में घर वकटी माने शरीर इल्लू हालेलुया। दूसरा घर ये हम ईंट पत्थर मट्टी सीमेंट से बनाते हैं ये घर वकटे रंडो इल्लो ईंट के सिंटी तो माने कटतना इदी इल्लो मोड़ इल्लो परलोक में इल्लो हालेलुया। परलोक में हमारा घर बनाना है हालेलुया। यहां घर बना दिए तो बस हो जाता क्या ఇక్కడ ఇల్లు కట్టి బాగుంటది కాదు మూడు ఇల్లు కట్టబడాలి తీన్ ఘర్ బన్నా హై హల్లెలూయా తండ్రి కుమార్ పరిశుద్ధాత్మ త్రిఏక దేవుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ ప్రభుకే నామసే ప్రభుకి పవిత్రాత్మ కి ద్వారా హం ఘర్ కో బనాయేంగే ఘర్ కో బనాయేంగే హమార మన్ మే పెహలే ఘర్ బన్నా హై ఉన్కే లియే హై హల్లెలూయా ఘర్ బన్నా బోలే తో ఉన్కే లియే జగహ్ బన్నా హమార మన్సులా ఆయన గురించి స్థలం ఉండాలి స్థలం ఉండాలి అంటే ఉనికి హమారె దిల్ మే స్థాన్ హోనా బోలే తో హమారే హమారా హృదయ కేసా హోనా పవిత్ర హోనా కేసా హోనా హమారా హృదయ పవిత్ర హోనా హమారా మనసు ఏమి ఉండాలి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి పవిత్రంగా ఉండాలి పవిత్ర హోనా బోలే తో ఈర్ష్య
द्वेष बुराई झूठ मीठ पाप ये वो सब हमारे हृदय से क्या करना है निकाल देना है। हमारे हृदय को चत्ता के से नहीं भरना, हमारे हृदय को किससे भरना है पवित्र आत्मा के द्वारा भरना है। मन हृदय की चत्ता चदल होनी निंडिपोवुद्दु, मन हृदय में ఏముండాలి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ద్వారా నిండాలి। దేవునికి స్తోత్రం హల్లెలూయా। మన నోటి మాట हमारे जुबान भी कैसी रहना है पवित्र रहना, किसी से बात करना है तो हम पवित्रता से बात करना है, स्वच्छ रूप से बात करना है, पवित्र रूप से बात करना है तब